वाओ, ये क्या होता है इनका? सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरा चैनल का नाम हमालियन व्लॉगर। स्वागत है जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मैं कोहनी धार के टॉप पर पहुँच गया हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की व्यू। यहाँ पर भी ढोक्स हैं, हमारे गुजर भाई रहते हैं। इसके साथ में एक और गाँव है हाइट वाला, क्लोड विलेज। मेरे साथ एंड तक बने रहे, बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। अभी मैंने अपनी जर्नी का आगाज शुरू कर दिया है। इस वक्त टाइम जो है ऑलमोस्ट कम से कम 4:30 बजे। नाज़रीन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता हाइट की तरफ चल रहे हैं और चारों तरफ हमारे यहाँ पर व्यू जबरदस्त है। घोड़े उछल कूद कर रहे थे, ये पावरफुल घास खाकर। तो मैं साइड से अभी हाइट की तरफ आस्ता आस्ता अपने सफर को रवान दवा रखा है और यहाँ की व्यू देख कर दिल बड़ा खुश हो रहा था। फाइनली मैं नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच गया हूं। यहां पर लाखों फूल हैं और शहद की मक्खियां इन फूलों के बीच से रस निकालकर चली जाती हैं। सबसे बेहतरीन शहद जो बनता है इन फूलों से बनता है। ये बड़ी हाइट पर फूल मिलते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फूल हैं ये। यहाँ पर शहद की मक्खियाँ बहुत ही हैं। यहाँ पर भी एक शहद की मक्खी है, इसके अंदर चला गया है, ये देख। फूल के बाद इनका बीज बनता है, हाथ लगाने से ये टूट जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आराम से, ये देखो वाओ, ये क्या होता है इनको, ये देखिए सिर्फ छूने से ये फट जाते हैं बैलून की तरह, ऐसे बनते हैं फिर ये। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर। यहाँ पर भी गुजर भाई रहते हैं। बीच में मक्की, इतनी हाइट पर मैंने आज तक मक्की नहीं देखी, ना राजमा देखे, ना कद्दू देखे। ये बहुत हाइट वाली जगह, देखते हैं ना कितनी हाइट जगह है। मतलब अभी मैंने अवाहनी धार को पीछे छोड़ दिया है, अब हम आगे की तरफ सफर कर रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन फाइनली मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुँच गया हूँ। यहाँ का इलाके का पता नहीं, एरिया का नाम क्या है, मगर यहाँ से कम 1 किलोमीटर आगे जो है वो क्लोड विलेज है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, हरियाली है, क्या व्यू है इन पहाड़ों की। इस वक्त हम बड़े हाइट पर है, मेरे साथ क्यूट से लड़के हैं, यहाँ पर मेरे फैन भी हैं। मैं इतना ही कहूँगा इनको गॉड ब्लेस यू, ये मेरे साथ हैं, मेरा साथ निभा रहे हैं। तो चलते हैं, अब कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, आगे बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, जंगल आएंगे। नाज़रीन प्यास बहुत लगी है ज़बरदस्त, मगर यहाँ पर मैंने जो बोलियाँ देखी हैं, ये देखिए 3-4 बोलियाँ हैं, मगर इनमें इतना पानी ठंडा है, मैंने अभी हाथ टच किया, मगर पीना ही बड़ा मुश्किल है। एक तो इसमें बड़ा टेस्ट होता है ज़बरदस्त, जो पहाड़ों में पानी होता है, हजम वाला पानी होता है, तो पीना तो पड़ेगा। प्यास बहुत लगी है। बहुत ही खूबसूरत फूल हैं नाज़रीन। हाइट पर एक पौधा होता है, तो इनके साथ जो बीज लगता है ना, हाथ लगाने से ही ये बैलों की तरह फूट जाते हैं, ये देखिए। ये नाज़रीन अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्लोड विलेज, बहुत खूबसूरत है। हाइट पर हम बैठे हैं, नीचे है विलेज, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है क्लोड विलेज, ये मेरे सामने है और फ्रंट में बहुत बड़ा पहाड़ है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। फाइनली मैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच गया हूं। ये भी बड़ी हाइट वाली जगह है, जहां पर भी पानी आता है मैं उसे पीता ही पीता हूँ, क्योंकि ये पानी बहुत ही मज़ेदार होता है हमारे पहाड़ों का। एक तो ठंडा होता है, दूसरा ये हाजम होता है। ये देखिए पानी, माशाल्लाह इतना ठंडा है,
टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। जब भी आपको पहाड़ों में जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर पानी को चेक करें, पिए पानी को, मज़ेदार पानी है यार, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, बहुत होता है सफ़र, 40 किलोमीटर वन डे सफ़र है ये। इस वक्त मैं ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह पर पहुंचा हूं कि ये जंगली जंगल है, यहां पर वहरान जगह है। तो दुआओं में याद रखना, अभी बहुत टाइम भी हो चुका है। फाइनली मैं इस वक्त मिंडा विलेज में पहुंच चुका हूं। अभी भी मैंने सफ़र बहुत करना है, 6:30 बजे का टाइम है। कम से कम मैं 7:30 बजे या 8 बजे के करीब करीब पहुंच जाऊंगा एक दूसरा विलेज। नाजरा, अगर मिंडा विलेज की बात करूं तो ये विलेज भी बड़ी हाइट पर है, जंगल बिल्कुल साथ में, देवदार के पेड़, और यहां पर भी बड़े अच्छे अच्छे घर हैं। यहां पर ये देखते हैं ना, बड़े बड़े घर हैं। तो ये हमारे लोकल लोग हैं। ये रास्ता जो भरमोता के लिए जाता है, और मैंने जो जाना है ये सामने से जंगल है, ये पूरा क्रॉस करना मैंने है, वहरान जगह है, फिर पहुंचना है सामने पाली विलेज है, फिर यहां से डाउन में चले जाना है। नाजरी, ये मिंडा विलेज के दिलकश नज़ारे शाम के, और यहां के मनाजर। नाजरी, मुझे एक क्यूट सा बच्चा मिला है, ये हमारे विलेज का है। तो मेरा बड़ा भाई बद्री जी, उनका भतीजा है, तो अब ये यहीं पर रहते कई सालों से इस मिंडा विलेज में। और सुने, ठीक है, मस्त है। 7:30 बजे शाम के आते वक्त नाजरी यहाँ पर कुछ सामान मैं भूल चुका था, पोच वगैरह। नाजरी, सुबह के पूरे 6:30 बजे का टाइम है। नाजरी, शाम को मैं जब वहाँ धार से निकला तो खद्दर के बैक साइड में जंगल है, उस जंगल में मैंने रेस्ट किया। तो मैंने अपना पोच वगैरह जो पेट के साथ लगाया था निकाल दिया, फिर मुझे याद नहीं रहा। तो यहाँ से मैंने इतना सफ़र किया, समझ लो 2 घंटे का सफ़र है यहाँ तक पहुँचने में। तो मुझे ये पोच वगैरह यहाँ पर रहेगा, इसमें कम से कम 13-14 हज़ार रुपये थे और कार्ड वगैरह थे। तो शुक्र है अल्लाह का कि मुझे सुबह 4:55 पर अपने सफ़र का आगाज़ किया, फिर आते 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 वहरान जंगल में पहुँच गया। मगर मुझे ये पोच वगैरह मिल गया, क्योंकि इसमें ये है पोच, ये है सामने, वो देखो, इसमें कागज़ वगैरह बड़े ज़रूरी थे, आधार कार्ड थे, तो ज़्यादा कागज़ों का मुझे प्रॉब्लम था। तो कम से कम 2 घंटे का सफ़र मैंने तय कर लिया, मेरा पोच। तो ये है रास्ता साथ में, ये रास्ता है, रास्ते के एक किनारे पर मैंने रख दिया था इसको। तो ये जंगल है, वहरान जंगल है, पूरा पूरा जंगल है वहरान। सामने जगह है रास्ते के बैक साइड में जो पेड़ है, यहाँ पर ये पोच रह गया था। नाज़रीन, पहाड़ों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मशरूम टाइप की हैं, वाइट में हैं, मगर इन्हें ना खाएं ना टच करें, क्योंकि जहरीली बहुत होती है। नेक्स्ट डे पाली विलेज की मैं व्यू अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखते नहीं, बहुत ही बड़े बड़े मकान बना के रखे यहाँ पर पाली में भी। नाज़रीन, ये पूरा विलेज जो है पाली विलेज बहुत खूबसूरत है। ये सामने मक्की की खेत, और इसके फ्रंट में बड़े बड़े पहाड़ हैं सामने।